और देखिए इनका नाम प्रकाश पंडित है और काफ़ी अच्छा जो है कलाकारी करते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और रोज़ की तरह आज फिर आप लोग का स्वागत है मेरे इसने ब्लॉग्स पर। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि अब दीपावली का समय आ रहा है और देखिए हमारे गांव में जो है माँ काली की जो है मूर्ति जो है बन रही है, तो चलिए आप लोग को जो है दिखाते हैं किस प्रकार से जो है मूर्तियाँ जो है बनाई जा रही है। चलिए और देखिए ये रहा मंदिर हमारे गाँव का, देख पा रहे हैं। और चलिए अब हम लोग जो चलते हैं और देखिए दोस्तों, हम जो है फाइनली जो है मंदिर परिसर में घुस चुके हैं, देख पा रहे हैं। और देखिए यहाँ जो है माँ काली का जो है प्रतिमा जो है बन चुका है, अभी सिर्फ रंगाई का काम हो रहा है, देख पा रहे हैं। देखिए, और ये हमारे यहाँ के मिस्त्री हैं, कारीगर, देख पा रहे हैं। ये हमारे गांव का जो है मंदिर है काली माता का, और अब जो है प्रक्रिया में है, रंगाई का काम हो रहा है, देख पा रहे हैं। और देखिए बहुत सारा यहाँ कलर है, देखिए देख पा रहे हैं। और चलिए दोस्तों, पूछते हैं कब तक जो है रंगाई का काम जो है समाप्त हो जाएगा। और मेरे बताइए कब तक हो जाएगा, रंगाई काम हो जाएगा, रंग का काम आज शाम तक खत्म हो जाएगा। देखिए कारीगर जी जो है बोल रहे हैं शाम तक जो है सारे मूर्ति जो है सभी का जो है रंगाई का काम खत्म हो जाएगा। और मूर्ति में जो सजावट का, तो वो अभी नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो देंगे उपवास के दिन। हाँ, जिस दिन आदमी सुनाई खाता है उसी दिन दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, अभी जो रंगाई का काम होगा, इसके बाद जो मूर्ति में जो बाल होता है और सजाने का जो सामान है, सामान लास्ट में दिया जाएगा। वो जो फिनिशिंग होने के बाद उपवास के दिन मिस्त्री साहब जो कर रहे हैं। तो आज जो है दोस्तों, सिर्फ जो है रंगाई का काम होगा, पूरा हो जाएगा और मेहनत का काम है। देखिए वो क्या हो रहा है, देखिए किस प्रकार से देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह कलर है और बहुत सारे जो है ब्रश भी है, देखिए अलग अलग ब्रश। और कितने सारे बच्चे देखिए आए हुए देखने के लिए, देख पा रहे हैं। देखिए तो प्लीज दोस्तों, आप लोग हमारे इस ब्लॉग पर जो है बने रहिएगा और आप लोग को दिखाएंगे पूरा जो है फिनिशिंग होने के बाद, दिखाएंगे आप लोग को कि पूरा रंगाई होने के बाद जो है काली माता का जो है रूप जो है कितना जो है चमकदार और अच्छा लगता है देखने में। यहाँ शिव जी भी हैं, शिव जी भी अभी अधूरे हैं, उसको भी रंगाया जाएगा। तो सारे प्रतिमाओं को जो है अच्छी तरीके से रंगाने के बाद दिखाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग पर जो है बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, फाइनली जो है माता रानी का जो है देखिए किस प्रकार से जो है कलर कर दिया गया, देख पा रहे हैं। देखिए ये काली माता है, देख पा रहे हैं। देखिए और देखिए आँख भी जो है बना दिया गया है, वो देखिए शिव जी को भी जो है रंगा दिया गया है, देख पा रहे हैं। और इधर जो भी है अभी कुछ बाकी है, और अभी जो है शाम का समय होने लगा, इसीलिए जो है हम आज यहीं तक आप लोग को जो है दिखा पाएंगे। और देखिए बहुत ही काफ़ी जो है अच्छा जो है बनकर तैयार हो चुका है माता की मूर्ति, देख पा रहे हैं। देखिए और चलिए आप लोग को नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर माता की मूर्ति अगर आप लोग को जरा सा भी अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, और आप लोग को जो है फाइनली जो है जिस दिन जो है मूर्ति को जो है सजाया जाएगा, उस दिन भी आप लोग को जो है दिखाएंगे किस प्रकार से जो है सजाया जाता है और कितना जो है अच्छी लगती है। अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, देखिए माता रानी, देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को जो है इस कलाकार से जो है जरा सा रूबरू कराते हैं। जरा सा उठिएगा सर, जरा सा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रकाश पंडित। जरा इधर दिखाइए चेहरा। और देखिए इनका नाम प्रकाश पंडित है और काफ़ी अच्छा जो है कलाकारी करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, देखिए। और काफ़ी मेहनती इंसान है और सुबह से ही लगे हुए हैं, और देखिए अभी तक यहाँ तक जो है इन्होंने मूर्ति को बनाने में सफल हुआ है, देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग, और हमारे ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स पर, तब तक के लिए बाय।